हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेदिक एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्लेशियर्स के इरोजन के कारण कौन कौन से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्लेशियर्स के डिपोजिशन के कारण कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वेदिक एकेडमी। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लैंडफॉर्म्स जो डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर्स के कारण कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, तो ग्लेशियर्स के इरोजन से तो हमने देखा था कि ग्लेशियर बिल्कुल ही एक नदी की तरह काम करता है, और उसी की तरह जैसे जैसे नदी इरोड करता है रॉक्स को, उसी तरह ग्लेशियर्स भी अपने अंडरनीथ जो रॉक्स है उनको इरोड करता है। तो जैसे ठीक नदी डिपॉजिट करता है, उसी तरह ग्लेशियर्स भी अपने साथ साथ जो रॉक्स पेबल्स को साथ में लेके चलता है उसे वो डिपॉजिट करता है, और उन्हें ही कहते हैं मोरेन्स। ठीक है, मोरेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रीवियसली भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए कम से कम मोरेन्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मोरेन्स होता क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्टोन्स हो गए, रॉक्स हो गए, पेबल्स हो गए, जो कि बच जाते हैं जब ग्लेशियर पिघल जाता है, ठीक है, तो एक ही जगह पर इकट्ठे होकर जम जाते हैं और एक ही जगह एक तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं मोरेन्स। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम इन सारे डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे और वो कैसे फॉर्म होते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन टाइप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है लैटरल मोरेन, दूसरा होता है मीडियल मोरेन, और तीसरा होता है टर्मिनल मोरेन। इसके अलावा एक और मोरेन होता है, वो होता है ग्राउंड मोरेन। ठीक है, तो इन चारों मोरेन्स को हम अच्छे से देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं और इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, लैटरल, मीडियल, टर्मिनल और ग्राउंड मोरेन्स में। तो चलिए इन्हें समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बेसिक ग्लेशियर का टॉप व्यू बनाएंगे हम और उसके मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिफरेंट मोरेन्स हैं वो बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम लोग बेसिक एक मेन ग्लेशियर बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज अपना वैली में मेन ग्लेशियर बह रहा है। ठीक है, तो जैसे नदी अपने आस पास अपने सैंड डिपॉजिट करता है अपने बैंक्स पर, ठीक उसी तरह ग्लेशियर भी जो है ये छोटे छोटे रॉक्स और पेबल्स को डिपॉजिट करेगा अपने बैंक्स पर। बैंक मतलब अपने साइड में। ठीक है, जहाँ पे वो ग्लेशियर बह रहा है अपने साइड में वो छोटे छोटे रॉक्स पेबल्स को डिपॉजिट करते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो वीक होते जाएगा, जब ग्लेशियर अपने लोअर स्टेज में आएगा तो वहाँ पे वो इसे साइड में डिपॉजिट करते जाएगा। तो इन्हें ही कहते हैं लैटरल मोरेन्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बिल्कुल नदी की तरह ही ग्लेशियर एक्ट कर रहा है, जब उसमें नीचे आता है तो उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं बचता है तो वो डिपॉजिट करना चालू कर देता है, बिल्कुल ही नदी की तरह। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं एक ऐसा ग्लेशियर जो कि जिसमें एक प्राइमरी ग्लेशियर भी है और एक सेकेंडरी एक ग्लेशियर आके उसमें मिल रहा है। ठीक है, दोनों मिल रहा है। तो इस पॉइंट में जब बर्फ का फ्लो कम होता है, ठीक है, तो पहले तो लैटरल मोरेन्स होंगे ही क्योंकि यहाँ भी बैंक्स हैं, तो दो बैंक्स पे अपना लैटरल मोरेन्स तो बनेगा ही। उसके अलावा अगर हम बात करें इनसाइड बैंक इसका जो है, तो उसके कारण दोनों इनसाइड एक जगह आके मिल रहे हैं और इसके कारण एक बीच में भी, यानी ग्लेशियर के ठीक बीचों बीच भी एक मोरेन बनेगा। ठीक है, कुछ दूर तक, तो उसे कहते हैं मीडियल मोरेन। ठीक है, तो साइड वाले इस केस में भी हो गया लैटरल मोरेन ही, ठीक है, जो कि प्रीवियस केस में था, और जो बीच वाला नया मोरेन फॉर्म हो रहा है जो कि ग्लेशियर के बीचों बीच थोड़ी दूर तक जा रहा है, इसे कहते हैं मीडियल मोरेन। नाम से ही पता चल रहा है, मीडियल मोरेन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है टर्मिनल मोरेन। तो टर्मिनल मोरेन क्या होता है, जब ग्लेशियर अपने बिल्कुल ही अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है और पिघलने लगता है, एकदम खत्म होने लगता है, तो अपने जो एंड पे वो सारे मोरेन यानी सारे पेबल्स को एक तरह से डिपॉजिट कर देता है एंड में। ठीक है, और वही डिनोट करता है एंड ऑफ ग्लेशियर को, तो इसे कहते हैं टर्मिनल मोरेन। ठीक है, तो तीन मोरेन हमने पढ़ लिया, अब बचा जो फाइनल ग्राउंड मोरेन। तो ग्राउंड मोरेन कुछ नहीं होता है, जो छोटे छोटे पेबल्स को अपने बीच बीच में ही डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, कहीं हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है, और बहुत ही लाइट इंटेंसिटी में होता है, उसे कहते हैं ग्राउंड मोरेन। ठीक है, तो चारों मोरेन्स में आपको डिफरेंस और क्या होते हैं ये पता चल गया होगा। तो ये तो था मोरेन्स। अब कुछ और फीचर हम लोग देख लेते हैं जो कि फॉर्म होते हैं ग्लेशियर्स के द्वारा, और वो है सबसे पहला होता है ड्रमलिंस और दूसरा होता है एस्कर्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे, आप बस इसका नाम याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि ड्रमलिंस और एस्कर्स किसके फीचर्स हैं, तो ये ग्लेशियर्स से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मोरेन्स पे भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि मोरेन्स किसके कारण फॉर्म होते हैं, और उसमें कई ऑप्शन थे, कोई रिवर्स था, कोई था ग्राउंड वाटर, और उसमें एक ऑप्शन था कि ग्लेशियर के
डिपोजिशन के कारण, तो इसका आंसर ग्लेशियर के डिपोजिशन पे आएगा होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैंने लास्ट क्लास में जैसे सर्क्स पे आपको क्वेश्चन बताया था, एरिड्स पे, उस पर भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए इन्हें अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक मत समझिएगा। कम से कम इनका नाम और ये किस ग्लेशियर से रिलेटेड है या फिर रिवर से रिलेटेड है, ये सब आपको याद रखने होंगे। ठीक है, जैसे रिवर्स में मैंने आपको मियांडर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए थे, ठीक उसी तरह आपको ग्लेशियर्स के भी कम से कम नाम आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के याद रखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।